हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ कविता। आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होंगी। और आज मैं जो आपके साथ डीआईवाई शेयर कर रही हूँ, तो वो इस तरह का ये कुशन कवर है। तो ये जो पुराने कुशन कवर होते हैं और हम लोग उनको देख देख कर काफी टाइम तक बोर हो जाते हैं, तो आप उसका फिर से रीयूज करके आप एक उसको अच्छा लुक दे सकते हैं, एक बिल्कुल अलग एक नया उसका लुक बना सकते हैं। तो बस वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जो कुशन कवर है ये मैंने बनवाए थे टेलर से, और मतलब खरीदे नहीं है, मैंने ये कपड़ा देकर टेलर से बनवाया था इस तरह का। तो ये मैंने 10 बनवाए थे, तो और 2-2 कलर के बनवाए थे। इससे 2 ऑरेंज थे, 2 येलो थे, 2 ग्रीन, ऐसे करके बनवाए थे मैंने। तो 5 का तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है उसका डीआईवाई, और वो आप मेरे डीआईवाई प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। और बाकी ये जो बचा हुआ था तो ये भी बहुत दिनों से रखा हुआ था, और तो मैंने सोचा इसका भी मैं कुछ यूज कर लूं जिससे कि ये हमारे काम आ सके। और ये काफी पुराना है, अराउंड 5-6 साल पुराना है, तो मतलब इन लोग या इंसान बोर भी हो जाता है देख देख करके। तो मैं इसका रीयूज करूंगी, और कोई जरूरी नहीं है कि आप कुशन कवर में ही का रीयूज करें, आप पिलो कवर का, पॉलिस्टर जो कवर होते हैं उनका, किसी का भी आप फिर से आप रीयूज कर सकते हैं, उसको नया लुक दे सकते हैं। तो ये मेरे पास जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने 10 बनवाए थे, तो सबके 2-2 पीस थे, लेकिन यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं मेरे पास 3 ही है। तो इसका 2 कलर है वो मुझे मिली नहीं रहा, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप रख के कहीं कोई चीज भूल जाते हैं, फिर आपको याद नहीं आती है, तो वो मुझे मिला ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसका अभी 3 का मैं बनाकर आपके साथ शेयर कर दूं, और जब वो 2 मिलेगा, जो 2 नहीं मिल रहे हैं वो फिर मैं बाद में कभी बनाती रहूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए इस तरह का है, और ये मैंने इस तरह की किनारे किनारे ये थोड़े से ये स्पार्कल टाइप की लेसेस भी लगवाई थी। तो ये मेरे पास 3 ये हैं, ये कवर हैं, और ये इस, और मैंने थोड़े से यहाँ पर टैसल बनाए हैं, ये कलरफुल टैसल बनाए हैं, मैं इसमें टैसल भी लगाऊंगी। तो और तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर रखकर मैं इसमें जो मुझे ड्रा करना है मैं वो करूंगी। तो पहले मैं यहाँ पर ड्रा करूंगी, तो आप ड्रा किसी पेन पेंसिल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चौक का यूज कर रही हूँ कि अगर ये थोड़ा बहुत भी खराब होता है ये हमारा, तो मैं इसको चौक जो है और इसको मैं चौक से इसको हटा सकती हूँ, चौक से इसको, चौक हमारा मतलब यूजली क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से मैं पहले इसकी आईज बनानी है, मैं अभी फिलहाल बनाकर देख रही हूँ, इस तरह से इसकी आईज बना लीजिए। और फिर यहाँ पर इसकी हमें आईज भी बनानी है, साथ ही साथ नोज भी बनानी है। तो पहले मैं आईज बना रही हूँ, आपको जो समझ में आए वो बना सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ये बना रही हूँ इस तरह से। से मैंने इसको बनाया है, और फिर इसको मैं यहां से आप अपने हिसाब से इसका रेशियो देख लीजिएगा कि आपको कितना बड़ा करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप बनाइए इसको। इस तरह से आपको ड्रा करना है। अभी मैं तो यहाँ पर ये मैंने इसको ड्रा कर लिया है, और ये देखिए ये इस तरह का लग रहा है।
इस तरह का मैंने एक लेडी का फेस ड्रॉ करा है और इस तरह का है। और आप चाहे तो कुछ कुछ भी आप बना सकते हैं अपने अपने जो आपके दिमाग में जो भी आइडिया चलते हैं आप कुछ भी बना सकते हैं। तो अब हमें इसके अंदर इसको पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर एक कागज रखना पड़ेगा जिससे कि ये हमारा दूसरी तरफ ना लगे, नहीं तो फिर अगर आप पेंट करते हैं तो ये दूसरी तरफ लग जाएगा, दूसरी साइड लग जाएगा। ऐसे आप जो भी पेंट करेंगे तो ये इसी पर आएगा। तो इस तरह से हमें ये कागज लगा लेना है जहां जहां हमें ये पेंट की जरूरत पड़ रही है, तो वहां तो जरूरी कागज होना चाहिए। इस तरह से आप इसको लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने ये कागज इस तरह से लगा लिया है और अब मैं इसको कलर करूंगी, तो चलिए कलर करते हैं फिर। आप चौड़ा पतला जैसा करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा चौक लगी है वो तो जब आप इसको वॉश करेंगे तब भी निकल जाएगी, और वैसे भी आप पोंछ देंगे तो ये साफ हो जाएगा, आपका इजली साफ हो जाएगा। और ये जो मैं ये DIY बना रही हूँ बहुत जल्दी बनेगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं। और इसी टाइप के मैं सबका फेस ही बनाऊंगी, कुछ ना कुछ अलग टाइप का मैं फेस बनाऊंगी। तो आप देख रहे हैं ये इस तरह का लग रहा है, देखिए पूरा कम्प्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का लग रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको इस तरह से प्रिंट करा है, इस तरह से मैंने इसको प्रिंट कर लिया है। और बाद में मैं जब सब तीनों में प्रिंट कर लूंगी फिर मैं टैसल लगा लूंगी यहाँ पर और फिर मैं दिखाऊंगी जब पूरा ये कंप्लीट होगा। अभी ये मैंने पहला बनाया है और इसी तरह दूसरा तीसरा भी बनाऊंगी, ऐसे ही फेस बनाऊंगी मैं, बिल्कुल सेम नहीं बनाऊंगी लेकिन मिलता जुलता ही फेस में बनाऊंगी सब पर। इस तरह से ये भी कवर कुशन कवर तैयार हो गया है, ये इसको मैंने इस तरह से आप देख ले पा रहे होंगे इस तरह से प्रिंट किया है। और पहला वाला मैंने आपको दिखाया ही था कि कैसा है, फिर से मैं दिखा देती हूँ। और जो सेकंड वाला था वो इस तरह का था और जो मैंने आपको पहले दिखाया था थर्ड वाला वो इस तरह का था। मैंने सब में लेडी फेस ही बनाया है और आप चाहे कुछ भी बना सकते हैं। और फिर जो ये मेरे पास मैंने अभी आपको दिखाया था जो मैंने टैसल बनाई थी ये कुछ, तो आप इसको मैं इसमें टक करूंगी तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको मैच करता हो वो, ये जैसे ये मान लीजिए मुझे ये अलग करना है तो मैं ये इस तरह से एक मिनट में इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे लगा लीजिए कंट्रास्ट में, तो देखने में यह अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर लगा के दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरा कम्प्लीट हो गया है, इस तरह से यहाँ पर ये टैसल लग गए हैं और इधर टैसल लग गया है, तो ये इस तरह से लग रहा है। और फिर मैं इसको कुशन कवर पर, जो कुशन होता है मैं इसके ऊपर कवर जब लगाऊंगी तब आपको उसको इसका प्रॉपर लुक पता चलेगा। तो इसी तरह तरीके से मैं उनमें भी टैसल लगा लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको प्लेस कर दिया है और आप देख रहे होंगे कि कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये कुछ दूर से कुछ इस तरह से लग रहे हैं, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो मैंने पहले बनाया था मैंने आपको बोला था मैं आपको वो भी दिखा दूंगी, तो ये मेरे DIY प्लेलिस्ट में पड़ा है, चाहे तो आप वहां से चेक कर सकती हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने बनाया था, पॉम पॉम से बनाया था, बल्कि इसकी एक दो जगह से पॉम पॉम निकल भी गई है। मैंने इसको एक्चुअली चिपकाया था लेकिन इसको मुझे टक करना है। तो इस तरह से ये लग रहे हैं, इस तरह से हमारा ये लग रहा है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।